नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्राइस एक्शन को लाइव मार्केट में कैसे रीड कर सकते हैं, कौन से पॉइंट आपको वहां पे ध्यान में रखना है और उसको फिर आपको कैसे इजीली एग्जीक्यूट करना है अपने प्लान में। आज मेरा जो प्रीमियम ग्रुप है वहां पे मैंने सुबह बताया था कि आपको कैसे यहाँ पे, एक तो अगर आप ACC को लॉन्ग करना है या तो अंबुजा को शॉर्ट करना है तो कैसे लेवल लेना है। आज सबसे अच्छा हमारा जो ट्रेड रहा अदानी का रहा, जहाँ पे हमने ऑप्शन में करीबन 40 पॉइंट्स के आसपास कवर किया, यानी कि एक लॉट में हो जाता है करीबन 20,000 के आसपास। और दूसरा अच्छा जो ट्रेड था अंबुजा था, जिसका शॉर्ट था, छोटा सा जो दो स्टॉप लॉस लगा था, RCF में 60 पॉइंट का लगा था और रिलायंस में हमें 3 पॉइंट का लगा था। रिलायंस जब हमारा बाय था 18, वहाँ से 34 तक इसने हाई लगाया, बाद में जाके 15 के आसपास शॉर्ट हुआ था। पर ओवरऑल देखेंगे तो हमारा जो लॉस है बहुत छोटा रहता है और हमारा टारगेट यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या होता है कि आप कभी भी आपका जो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो, रिस्क रिवर्ड का रेशियो अच्छा रखते हो, आपका अगर एक्यूरेसी 50% भी होगा तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि हम अगर जो स्टार्टिंग करते हैं ग्रुप में तो कैसा रहता है। तो अभी जो मैंने बताया था वहाँ पर, यहाँ पर कि इस लेवल के बाद में आपको यहाँ पे 41K के ऊपर क्लोज होगा, उसका मैं आपको बाद में ऑप्शन चेन में भी बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे क्यों ऐसा बोला था। पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि आज का जो हमारा शॉर्ट था, एक तो ये भी अच्छा पैटर्न था जो एन पैटर्न में आपको हर बार बोलता हूँ कि अगर टाटा मोटर आप देखोगे जो फॉल हुआ, इसने यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहता है टारगेट का, वहाँ से इसने रिवर्सल लिया और यहाँ से हमें एक फॉल देखने का था। तो इस लेवल के आसपास हमारा टारगेट था। तो अगर आप देखते हो यहाँ पे हूबहू उसने वैसे ही ट्रेड किया जैसा हमारा प्लान था, तो एन पैटर्न बना के कंप्लीट यहाँ पे किया था, काफ़ी अच्छा सा ट्रेड। सेकंड हमारा था अदानी का। अदानी जब यहाँ से कंसोलिडेशन कर रहा था, कल आप देखोगे हायर एंड पे उसने पूरा कंसोलिडेशन किया, फिर यहाँ पे ट्विजर बना के, ये जो ट्विजर कैंडल है वहाँ से एक फॉल आया था। आज मार्केट ने फर्स्ट अटेम्प्ट किया जो पहला हाफ एन आवर था, उसने यहाँ पे प्रीवियस जो हाई का उसने क्रॉस नहीं किया, सेकंड क्या इसका जो लो है उसके आसपास भी नहीं गया, वहाँ से फिर से ट्विजर बनाया तो एक कन्फर्मेशन मिल गया। तो हमारा यहाँ पे शॉर्ट था कि 3834। मैं यहाँ पे ऊपर में क्यों शॉर्ट नहीं बोल रहा था, अब मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आपको स्विंग लो का वेट करना है। तो यहाँ पे स्विंग लो क्या आता है, क्योंकि ये जो हमारा इंडिकेटर का मेक और ब्रेक रहता है, ये कैंडल का अगर आप देखोगे यहाँ पे जहाँ से ओपनिंग हुआ था उसके नीचे हमने शॉर्ट किया है। तो आप देखोगे जिस टाइम भी ऐसा शॉर्ट बनता है तो आपको एक साइड यहाँ पे मूव मिल जाता है। तो फर्स्ट यहाँ पे देखोगे दो कैंडल में उसने यहाँ पे 50 पॉइंट के ऊपर का यहाँ पे गिरावट दे दिया था, कंसोलिडेशन किया, फिर से उसने गिरावट दिया। तो इस जगह पे हमारा पुट में हमने एक्टिव किया था, काफ़ी अच्छा सा प्रॉफिट मिला है। ये जो मैंने था यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था उनको कि आपको अगर शॉर्ट करना है तो इस लेवल के आसपास आपको शॉर्ट बन सकता है, जो है हमारा ये लेवल 3834। दूसरा था हमारा अंबुजा का, मैंने वहाँ पे शॉर्ट दिया था। अंबुजा में क्या था, सिमिलर यहाँ पे कंसोलिडेशन रिजेक्शन और यहाँ पे जो इंडिकेटर आप देख रहे हो उस टाइम भी आपको सब बेरिश ही दिख रहा था। तो हमारा ये था मेक और ब्रेक लेवल, जहाँ पे मैंने लिखा था मेक और ब्रेक आएगा 569। तो 569 अगर अंबुजा का हम देखते हैं तो ये लेवल से उसने जैसे कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन दिया, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि कल जब मार्केट में यहाँ पे मूवमेंट हो रहा था उसके पहले दिन ये पूरा रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट किया, एक बार सपोर्ट लिया, फिर से अटेम्प्ट किया, सस्टेन नहीं किया। आज इसका न्यूज़ भी था, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसने यहाँ पे हाई नहीं दिया। तो आपको जो अगर शॉर्ट करना है तो आपको यहाँ पे प्रीवियस लेवल भी देखना होता है, उस हिसाब से हमने यहाँ पे शॉर्ट करने का डिसाइड किया और काफ़ी अच्छा सा फॉल आया। फर्स्ट हमने कहाँ पे इसको प्रॉफिट बुक का बोला, जहाँ पे फिबोनाची 50% था इस लेवल के आसपास। और एक हमारा अच्छा ट्रेड रहा निफ्टी का, जहाँ पे हमने पुट बाई किया था करीबन 212 पे, वो कुछ 300 के आसपास गया, पर हमारा टारगेट 254 तक था, क्योंकि हम लोग वो जो 5 दिन रहते एक साल के, जहाँ पे आपको हीरो ज़ीरो जैसे हो जाता है 5 वाला 100, वैसे हम ट्रेड नहीं करते, हम सिस्टमेटिक करते हैं, जो हर दिन का टारगेट रहता है उसी हिसाब से। ये निफ्टी का है ट्रेड यहाँ पे। कल अगर आप देखोगे तो आपको RSI का डाइवर्जन दिख रहा होगा। सेकंड यहाँ पे क्या था, आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने एक अटेम्प्ट किया। आप देखोगे एक ही कैंडल यहाँ पे जो अटेम्प्ट हुआ था उसको भी यहाँ पे नेगेटिव में क्लोज मिल गया है।
तो जैसे ही ये क्लोज हुआ हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं करते, हम वेट करते हैं फिर से एक अटेम्प्ट होने के बाद में फिर शॉर्ट करना है। आप देखोगे काफ़ी अच्छा सा अभी क्या बनाया है यहाँ पे मार्केट में, डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न को आपको कन्फर्म कैसे करना होता है कि अगर प्राइस गिरता जा रहा है पर आपका आर एस आई यहाँ पर गिर नहीं रहा है, और यहाँ पे भी डब्ल्यू बना, यहाँ पे भी डब्ल्यू बना, तो यहाँ से एक रिवर्सल आया जो आपको अभी क्या है प्राइस एक्शन के हिसाब से इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ यहाँ तक आ सकता है जो लेवल है 768 के आसपास, जहाँ पे आपको लास्ट टाइम ये एक सपोर्ट था। तो ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा अभी हमारे लिए, तो अभी यहाँ से एक और अटेम्प्ट हो सकता है, सक्सेसफुल नहीं हुआ तो यहाँ पे एन पैटर्न बनाएगा, फर्दर नीचे जा सकता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपके पैटर्न के हिसाब से जो आरसीएफ का था वो हमारा यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल में था। हमने कहा क्या डिसाइड किया था 106 के ऊपर हमें बाई करना है, तो यहाँ पे हमारा एक्टिवेशन हो गया क्योंकि ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ। हाई कितना लगा 106.75 पर, हमारा टारगेट था करीबन 107 and 10, सेकंड आएगा 107.65, इसने यहाँ पे 60 पॉइंट का हमारा एसएल लिया। सेकंड यहाँ पे हमारा रिलायंस का भी था, रिलायंस हमारा 18 के बाद में था बाइंग, इसने हाई लगाया करीबन 33, बाद में यहाँ पे 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस इसने भी लिया हुआ है। अब वापस इसने एक अटेम्प्ट किया है ऊपर की साइड, वापस अगर ब्रेकआउट दिया 28 के बाद वापस ये 39 जाएगा। तो उस हिसाब से आपको प्राइस एक्शन देखना है। बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा सा बाउंस दिया है, आप देखोगे बैंक निफ्टी ने यहाँ पर इसने भी क्या किया इस लेवल के आसपास फिर से यहाँ पे आरएसआई का लो लगाना बंद हो गया। जब ये कैंडल था वही लो था, उसके नीचे यहाँ पे आया, आप देख सकते हो यहाँ पे ये ग्रीन डॉट, ये क्या हुआ है या यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये कि जब भी यहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम के हिसाब से कहीं भी यहाँ पे एक ओवरसोल्ड पोजीशन आ जाता है जहाँ से रिवर्सल का चांस रहता है, वो यहाँ पर आपको ऐसे ग्रीन डॉट मिल जाते हैं, ज़्यादा ग्रीन डॉट यानी ज़्यादा रिवर्सल का चांस। उस हिसाब से यहाँ पे एक बाउंस भी आया हुआ है, इस जगह पे के आसपास यहाँ पे एक अटेम्प्ट होगा, ये जो प्रीवियस सपोर्ट है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों। तो कभी भी शॉर्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे आप समझो कि इसी लेवल से हमने यहाँ पे देखना चालू किया, मार्केट ने इस लेवल के ऊपर यहाँ पर गैप डाउन हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट किया, रुका कहाँ पर वो देखो आप, हड़बड़ी में कभी ट्रेड मत लो, रुका कहाँ पर जहाँ पर हमारा लास्ट डे क्लोजिंग था। तो आपका ये कन्फर्मेशन हो गया कि अभी यहाँ पे इसके ऊपर नहीं जा रहा है। आपका लॉन्ग कब बनता, जब ये कैंडल जो है उसी के ऊपर एक क्लोज मिलता तो आपका यहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग बनता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ये प्रीवियस जो डे है उसका एक सपोर्ट था, उसको आप ब्रेकआउट देते हो तो आपका टारगेट वापस 41,680 तक का होता, पर अभी यहाँ पर फर्दर डाउन आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रॉस नहीं हुआ। तो अगर आपको शॉर्ट करना है तो कैसे करते हो? तो शॉर्ट में जब फर्स्ट हाफ में क्या होता है, कोई भी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको नहीं घुसना है, वहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट जब करता है फिर वहाँ पे ये ब्रेकआउट देना है, यहाँ पे फेल हो जाता है तो आपको क्या करना है, स्विंग लो देखने लगना है। तो अभी अगर आपको इस कैंडल को ब्रेक डाउन लेना है तो आपका स्विंग लो ये आएगा, यानी 273 के नीचे आपका शॉर्ट बनता है। तो इस लेवल से आप शॉर्ट करोगे, प्राइस एक्शन जितना आप समझोगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप देखोगे प्राइस एक्शन के हिसाब से हमने यहाँ पे 70 पॉइंट का बाउंस दे दिया है, बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का हमने बाउंस दे दिया है, और अदानी का हमारा जो लेवल था 3606 वो मेक और ब्रेक से हमने डब्ल्यू बना के यहाँ पे भी हमने ऑलमोस्ट 50 पॉइंट के ऊपर का बाउंस दिया है। तो अब हम समझ लेते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या था, तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया था डेटा। तो यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं कि 41,000 जो ये मंथली का डेटा है, तो जब मार्केट 40,900 चल रहा था, 41,000 पे आपको 10 लाख के आसपास यहाँ पे हाईएस्ट यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट था शॉर्ट का, यानी कि क्या था कि अगर 49,900 होल्ड कर गया तो 41,000 के ऊपर क्लोज होगा, वो यहाँ पर क्लियर था, उसका एक रीज़न था हमें यहाँ पर यहाँ बाउंस का। सेकेंड क्या था कि उस टाइम पर आपको यहाँ देख रहे हो वो लेवल के आसपास यहाँ पे बिल्डअप नहीं था, इन द मनी आप देखोगे तो 254,000 वो उस टाइम पे एट द मनी था। तो इन द मनी अगर वही चीज़ अगर 40,600 पे होता, यहाँ पे 200,000 तो डेफिनेटली वहाँ पे हम शॉर्ट में जाते, पर यहाँ पे हाईएस्ट था तो उसकी वजह से बाउंस आया। सिमिलर निफ्टी मैंने जो आपके साथ शेयर किया था अगर उसका डेटा आप देखते हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 800 पे के आसपास आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा है ओआई,
700 पे भी आप देखो हाईएस्ट ओआई, तो जब 680 चल रहा था, 700 आपका यहाँ पे हाईएस्ट ओआई है, तो डेफिनेटली एक बाउंस आएगा। तो बस ये छोटे छोटे से स्टडी करते हैं और उस हिसाब से हम यहाँ पे एक प्रिडिक्शन करते हैं मार्केट का, ये हो सकता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि आपको लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन में क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है। डब्ल्यू पैटर्न हो गया, आरएसआई हो गया, प्रीवियस डे का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बस इतने भी आप ध्यान दोगे तो भी आपका ट्रेडिंग अच्छा हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।